everyone, this is me Supriya Gautam and welcome back to Cosplay Genie powered by Nordwing Gaming. So as you guys know, I'm a huge fan of Valorant and the last video was all about the new age in Neon. So many people like the cosplay, they even asked me to do Reyna cosplay as well. So this time I'm going to cosplay as Reyna and this video is going to be divided into two parts. In the first video, I will be making accessories and the armor part. So without further ado, let's get started. So first of all, I'm going to draw the pattern on white sheet of paper and then I'm going to cut it very carefully. So mera template ab ready hai and now I'm going to trace it down on 4mm EVA foam sheet and then again I'm going to cut it. So ab mera shoulder pad ka base ready ho chuka hai aur ab main yahan par use kar rahi hu soldering iron ka. आप चाहें तो आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे सोल्डरिंग आयरन काफ़ी इजी लगा तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ. और जहाँ जहाँ पर मैंने यूज़ किया था वहाँ पर मैं अपना एडहेसिव ऐड कर रही हूँ सो दैट उसको मैं एक प्रॉपर शेप दे पाऊँ, जैसा कि आप देख सकते हैं. सो अब मुझे यहाँ पर इसकी डिटेलिंग करनी है. तो डिटेलिंग्स के लिए मैं यहाँ पर 2mm फोम शीट की थिन स्ट्रिप्स कट करके उसको बॉर्डर पर ऐड कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ एन एडहेसिव. सो जहाँ जहाँ पर मुझे बॉर्डर से थे मैं वहाँ पर ऐड करते जा रही हूँ ये 2mm फोम शीट की स्ट्रिप्स. 2mm फोम शीट का मैंने बॉटम साइड पर यूज़ किया है और ऊपर साइड पर मैंने यूज़ किया है 4mm शीट का. ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने कॉस्प्ले में, मुझे अपने आर्मर में लेयर्स देना काफ़ी पसंद है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं उतना ही डिटेल्ड आपका कॉस्प्ले लगता है, बिकॉज क्रिएटिंग एन आर्मर इज़ ऑल अबाउट लुक एंड डिटेल्स. यहाँ पर मैं फोम को 1x1 ऐड करते जा रही हूँ. आप चाहें तो आप प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ ऐसा कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा इजी लगा तो मैं ऐसा करते जा रही हूँ साथ साथ. तो टॉप पर एक और डिटेलिंग का पार्ट था तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल कट कर रही हूँ और उसको सेंटर से कट कर लूँगी सो दैट मैं उसको ईजिली बेंड कर पाऊँ. और उसके बाद दोनों को एडहेसिव की हेल्प से एक साथ जॉइन कर दूँगी और उसके बाद मैं उसको ऐड कर दूँगी अपने शोल्डर पैड के ऊपर. सो यू नो, जब भी आप फ्री स्टाइल वर्क कर रहे होते हो तो उस टाइम पर आपको लगता है कि ओके ये शायद ठीक मेजरमेंट है, लेकिन जब आप प्लेस करने जा रहे होते हो तब आपको पता चलता है कि अरे ये तो काफ़ी बड़ा हो गया या फिर थोड़ा छोटा है. तो आप उसके बाद उसको अगर आप चेंज भी कर लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपका आर्मर है, आपको अपने आप डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का लुक चाहिए. तो इट्स ओके अगर बाद में कुछ अलग से आप कट कर रहे हैं तो. सो अभी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, दो मेरे को पीसेस और ऐड करने हैं तो उसके लिए पहले एडहेसिव ऐड कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल पीसेस ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसको फाइनल कोट कर दे दूँगी सिंथेटिक एडहेसिव से. सो हेयर आई एम वर्किंग ऑन द साइड वेस्ट आर्मर. सो उसके लिए मैं सबसे पहले वो पैटर्न को डिज़ाइन कर लूँगी वाइट शीट ऑफ पेपर पर एंड देन आई एम गोइंग टू ट्रेस इट डाउन ऑन 4mm EVA फोम शीट. इसको कट करने के लिए मैं सीजर का यूज़ कर रही हूँ. आप चाहें तो कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे को सीजर का यूज़ करना काफ़ी ईजी लगता है तो मैं सीजर यूज़ कर रही हूँ. और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ बॉर्डर्स, जो कि मैं कट कर रही हूँ थिन स्ट्रिप्स जो कि बनाई है मैंने 2mm EVA फोम शीट से. सो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बॉर्डर्स अपने अच्छे से क्रिएट कर लिए हैं. उसके बाद मैं उसको हीट सील कर दूँगी और उसके बाद मैं उसको सिंथेटिक एडहेसिव ग्लू से उसको अच्छे से कवर कर दूँगी सो दैट मैं उसको ईजिली पेंट कर पाऊँ. क्योंकि क्या होता है, अगर आप नहीं करेंगे तो उसके पोर्स जो हैं, फोम शीट के पोर्स जो है ओपन रहते हैं, तो क्या होगा, आपका पेंट या कोई भी एडहेसिव है जो है वो अब्सॉर्ब करने लगेगा, जो कि ठीक नहीं है. सो अब ये रेडी हो चुका है और अब मैं काम कर रही हूँ अपने थाई आर्मर के ऊपर. सेम वही स्टेप्स फॉलो करते जाऊँगी जिससे कि मेरा ये थाई आर्मर भी रेडी हो जाएगा. जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छे से कट कर रही हूँ मैं. इसके ऊपर भी मैं बॉर्डर्स ऐड कर रही हूँ और उसको अच्छे से शेप देने के लिए मैंने उसको बीच से कट भी किया है सो दैट मैं उसको बेंड कर पाऊँ ईजिली, अच्छे से प्रॉपर शेप दे पाऊँ, जैसा कि आप देख सकते हो. आपने नोटिस किया होगा कि मैं बार बार हीट गन का यूज़ कर रही हूँ और ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट जो हमारा एडहेसिव है वो जल्दी से ड्राई हो जाए सो दैट मैं उसके ऊपर और सारी डिटेलिंग जल्दी जल्दी से कर पाऊँ. इससे क्या होता है, टाइम सेव होने लगता है. आप चाहें तो वेट भी कर सकते हैं, बट मुझे तो अपना टाइम बचाना था इसलिए मैं हीट गन का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर. तो जितना भी मेरा एक्स्ट्रा फोम निकल रहा था पैटर्न से तो मैं उसको साथ साथ कट करते जा रही हूँ.
के लिए मैं यहाँ पर सीज़र का यूज़ कर रही हूँ, और मेरा लास्ट पीस अब बस होने ही वाला है, और ये ऑलमोस्ट हो चुका है और अभी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर एक पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ जहाँ जहाँ पर मुझे सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करना है। सोल्डरिंग आयरन का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक एम्प्टी स्पेस मिल जाएगा वहाँ पर, ऐसा करने से मैं उसको ईजिली बेंड कर पाऊँगी। सो प्रॉपर शेप मेंटेन करने के लिए मैं अब यहाँ पर एडहेसिव यूज़ कर रही हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, जो शेप मुझे चाहिए मैं उसको वहीं पर लॉक कर दूँगी। सो मेरा एडहेसिव ठीक से ड्राई नहीं हुआ था, इसलिए मैं दोबारा से एडहेसिव ऐड कर रही हूँ, फिर थोड़ा वेट करूँगी। और जैसे कि आप देख सकते हो एक शेप वो लेने लगा है, और जहाँ जहाँ पर मेरे को लग रहा था कि ये फोम शायद निकल रहा है, तो वहाँ पर भी एडहेसिव ऐड कर रही हूँ। अच्छे से सारे पीसेस को एक साथ जॉइन कर दूँगी और लास्ट में उसको सिंथेटिक ग्लू से कवर कर दूँगी। सारे कॉर्नर्स को आपको अच्छे से फिल करना है सो दैट कोई भी गैप ना रह पाए, क्योंकि जब आप पेंट करेंगे तो वो गैप जो है फिल नहीं हो पाएगा। तो वो सारी चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये मेरा आर्मर रेडी हो चुका है, और अब मैं काम कर रही हूँ अपने साइड पाउच के ऊपर जो कि उस आर्मर के ऊपर प्लेस होना है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर फ्री स्टाइल में कट कर रही हूँ। वन बाय वन मैं सारे पीसेस को एक साथ ज्वाइन करते जाऊँगी और मुझे मेरा पाउच एकदम बढ़िया तरीके से रेडी मिल जाएगा। यू आर न्यू टू दिस कॉस्प्ले वर्ल्ड तो शायद आपको ज़रूरत पड़ सकती है प्रॉपर टेम्पलेट्स की, पर लेकिन मैं काफ़ी टाइम से काम करते आ रही हूँ, कॉस्प्ले बनाते आ रही हूँ, तो मुझे अपना अंदाज़ा हो चुका है कि मुझे क्या कौन सा पीस किस तरीके से कट करना है सो दैट ये शेप मुझे मिल जाए। सो जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अंदाज़ा लगता जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लीजिए, कोई बात नहीं। अगर पहले टाइम में ठीक से नहीं बनता तो दूसरे टाइम में बन ही जाएगा। ज़रूरी नहीं आपका फर्स्ट कॉस्प्ले एकदम परफेक्ट होगा, इट्स ओके, कैसे भी हो सकता है, कोई आपके ऊपर हंसेगा नहीं। आप बस काम करिए और बस अपने रिजल्ट का वेट करिए। तो मेरा जो है पाउच का बेस अब रेडी हो चुका है, अब मैं उसकी डिटेलिंग्स के ऊपर वर्क कर रही हूँ। ऐसे फिल आप चाहें तो एक बड़ा कैन यूज़ कर सकते हैं और उसको आप एक कीप में फिल कर सकते हैं, बट मुझे हैवी बॉन्ड का यूज़ करना काफ़ी ईजी लगता है क्योंकि ये ऑलरेडी एक ट्यूब में आता है, तो मैसी से बच सकते हैं, तो आप भी इसका यूज़ कर लो। सो वन बाय वन मैं अपने सारे डिटेलिंग्स करते जा रही हूँ, फ्री स्टाइल उसको कट कर रही हूँ, देन उसको पेस्ट कर रही हूँ डायरेक्टली। सो इससे क्या होता है, आपको पता चलता जाता है कि अरे अभी कितना हमारा काम अभी बचता है। सो जितनी ज़्यादा डिटेलिंग होंगी, जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर काम करेंगे, उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको लगेगा। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बट ट्रस्ट में आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। गेटिंग अ कॉस्टले इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, बट ध्यान रहे कि अगर वहाँ पर डिटेलिंग्स हैं तो वो आपका बहुत टाइम टेकिंग हुआ, आपको बस पेशेंस रखना है और अपने रिजल्ट का वेट करना है। डिटेल्स होती हैं जैसे कि कोई आप गन डिज़ाइन कर रहे हैं, अब गन की डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना डिटेलिंग उसके ऊपर करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो छोटी छोटी चीज़ें ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, पर कितना वो एक प्रॉपर एनहेंस होते जा रहा है। एक बेसिक शेप जो था मेरे पाउच का, बट वो अब कितना एनहेंस होता जा रहा है। डिटेल्स तो चलो हो जाएंगे, लेकिन अब आपको टेक्सचर भी देना है। तो टेक्सचर के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, कटर का यूज़ किया है। कटर से मैंने उसको बहुत ही थिन लाइन्स में उसको कट कर दिया है, ज़्यादा नहीं करना, बहुत हल्के हाथों से उसको करना है, और उसके ऊपर हीट गन का यूज़ कर देना है। पाउच मेरा अब रेडी हो चुका है, और अब मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ अपने साइड आर्मर के ऊपर जो कि है मेरे वेस्ट पर। सेम तरीके मैंने फॉलो किया है, सेम प्रोसेस फॉलो करते करते मैं उसको क्रिएट करते जा रही हूँ कि पहले मैंने उसको कट कर लिया है फोम के ऊपर, फिर उसके सारे पार्ट्स के जितने भी पार्ट्स मुझे चाहिए थे मैंने उसको सबको कट कर लिया है। हीट गन का यूज़ मैं साथ साथ करते जा रही हूँ सो दैट मैं उसको शेप दे पाऊँ। देख सकते हो कि मैंने उसको बेंड कर दिया है, और ऊपर से मैंने इसका एक टॉप पर एक और पीस ऐड कर दिया है। बॉर्डर्स के ऊपर भी मैंने वो थिन स्ट्रिप्स ऐड करी जैसे कि मैंने पहले आर्मर में किया था, और अब उसकी आर्मर में क्या है एक छोटी सी टेल भी है, तो मैंने उसको भी कट कर लिया है, पर इसको मैंने किया है 2 mm शीट से सो दैट वो अगर मैं उसको नीचे हैंग करती हूँ तो ज़्यादा वेट ना पड़े, सो दैट वो अगर निकल जाए तो मैं उसको संभालूँगी कैसे। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा लाइट वेट फोम का यूज़ किया है। टेक्सचर देने के लिए सेम मैंने वही कटर का यूज़ किया है, सेम डिज़ाइन जो था मैंने वो फॉलो कर लिया है देख कर एजेंट के ऊपर जैसा भी था, और उसके बाद से मैं उसको हीट सील से कर दिया है सो दैट उसका टेक्सचर जो है एनहेंस हो जाए। अगर आप एजेंट को देखेंगे ना, तो वहाँ पर रेना ने अपने शोल्डर के नीचे एक कुछ पहना हुआ है, तो उसको भी मैं डिज़ाइन करते जा रही हूँ, एक राउंड शेप देते जा रही हूँ साथ साथ। और अब मैं डिज़ाइन कर रही हूँ उसके ग्लव्स पर भी कुछ डिटेलिंग्स है, तो वो भी मैं फ्री स्टाइल वे में करते जा रही हूँ। हीट गन का यूज़ कर रही हूँ सो दैट वो बेंड हो जाए, प्रॉपर शेप उसको मिल जाए,
और उसके बाद में मैं उसके ऊपर एक थोड़े स्पाइक्स हैं तो स्पाइक्स का भी यूज़ कर रही हूँ, पर यहाँ पे मैं 4 mm शीट का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने उसको थोड़ी सी ट्राइंगल शेप में उसको काट लिया है, उसको डायरेक्टली पेस्ट कर दिया मैंने विद हेल्प ऑफ एन एडेसिव। डिटेलिंग से वो भी करते जा रही हूँ मैं साथ साथ। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि बहुत ईजी डिटेलिंग थी तो मेरा जल्दी से हो गया था ये वाला पार्ट। जब भी आप आर्मर बना रहे हो तो अगर आपको लग रहा है कि ये वाला आर्मर पीस जो है वो ज़्यादा मूव नहीं होगा, तो मैं वहाँ पर क्या करती हूँ, 2-3 layer लगा देती हूँ एडेसिव ग्लू की। पर जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं ये वाला पीस जो है थोड़ा बेंड होने का चांसेस है, तो मैं वहाँ पर जो है 1 layer लगा के उसको छोड़ देती हूँ और उसको पेंट से अच्छे से कवर कर। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप उस पर लगा देंगे ज़्यादा एडेसिव लगा देंगे तो बेंड नहीं हो पाएगा और उसके ऊपर फिर पेंट के ऊपर फिर क्रैक्स आने लगेंगे, तो उसका ध्यान आपको थोड़ा रखना है। तो मेरे पीसेस अब सारे रेडी हो चुके हैं, अब मैं डायरेक्टली पेंट करने वाली हूँ अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा डार्क पेंट का यूज़ करती हूँ, पहला लेयर मैं डार्क करूँगी उसके बाद मैं उसको लाइट करते जाऊँगी उसको हाईलाइटिंग करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो पहले मैं उसको ब्लैक किया, फिर अब मैं कर रही हूँ डार्क पर्पल, उसके बाद मैं इसके ऊपर मैं करूँगी शाइनी ब्लू मेटालिक ब्लू कलर का यूज़ करूँगी इसके ऊपर। और फिर मैंने एक पेंट और लिया था, वो था थोड़ा मेटालिक पर्पल शेड था, सम काइंड ऑफ अ लैवेंडर जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैंने दोनों को मिक्स करके मैंने यूज़ किया है। सो अगर आपको लग रहा है कि यार मैं प्रॉपर शेड्स तो दे ही नहीं पा रही हूँ कलर के, तो आपको क्या करना है, इसकी भी एक ट्रिक होती है। तो एक कलर लिया आपने, वो आपने अच्छे से पेंट कर दिया, उसके बाद दूसरा कलर का शेड आपको ऐड करना है। तो क्या करो, उसको हल्का सा वाटर में डिप कर लो ब्रश को, और उसके बाद उसको जो सेंटर लाइन होगी वहाँ से आपको कलर स्टार्ट कर देना है। वो किया पर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जहाँ पर वहाँ पर शेड देना था आपको, जहाँ पर वो दोनों कलर्स मिल रहे थे, वहाँ पर आपको फिर से अपना ब्रश जो है हल्का सा डिप करना है वाटर में, और उसके ऊपर सेंटर से ही थोड़ा दोनों साइड तरफ आपको पेंट कर देना है। तो जिससे क्या होगा, आपका एक अच्छा सा इफेक्ट शेड क्रिएट हो जाएगा। अब बॉर्डर्स पे यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राई गोल्डन पेंट का है, जिसको मैंने मिक्स किया हुआ है मिक्सर के साथ। मैंने यहाँ पर पेंट्स जो हैं थोड़े वाइब्रेंट रखे हैं क्योंकि मुझे मेरा वाइब्रेंट कॉस्प्ले बड़ा ही पसंद है, और जैसे कि आप इन गेम में देखोगे थोड़ा सा आपको डल दिखेगा, पर मैंने उसको वाइब्रेंट रखा है। और सारे बॉर्डर्स के ऊपर मैंने जहाँ जहाँ पर मेरी थिन स्ट्रिप्स थी ना, वहाँ पर मैंने उसको गोल्डन पेंट से कवर कर दिया है। सो व्हाइल आई वाज पेंटिंग द एक्सेसरी मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था, तो मैंने क्या किया, जो भी मेरा बॉटल था उसके ऊपर उसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया उस एक्सेसरी से। उसके बाद फिर मैंने गोल्डन पेंट स्टार्ट किया, सो उससे क्या हुआ, शेप भी मेंटेन रही और मेरा कलर भी अच्छे से कवर अप हो गया। सो आई वॉन्टेड टू एड सम मोर ऑफ द हाईलाइटिंग, सो उसके लिए मैं यहाँ पर एम यूजिंग ब्लैक पेंट, और उसके ऊपर मैं ड्राई सिल्वर पेंट का यूज़ कर रही हूँ, सो दैट उस पर थोड़ा सा इफेक्ट आ जाए, लुक एनहेंस हो जाए। आर्मर जो है बेसिकली आपके आयरन से बनते हैं, तो मुझे वो फिनिशिंग देनी थी, तो यहाँ पर मैं अपना ड्राई सिल्वर पेंट का यूज़ कर रही हूँ। तो अब मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है और मेरे सारा पीसेस आर्मर के पीसेस कुछ इस तरह दिखते हैं, एंड आई जस्ट कांट वेट ये मेरा रेना कॉस्प्ले कब फिनिश होगा और मैं उसको कब पूरा कॉस्प्ले करूँगी। Today's video, and I hope you guys like this tutorial, and in the next video I will be working on the outfit, leg armor and the shoes. So stay tuned to Cosplay Genie. Do not forget to like, share and subscribe.